नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और वीकली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 5 से लेकर के 11 फरवरी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फरवरी 2020 में किस राज्य की सरकार द्वारा कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया गया? तो ये घोषित किया है केरल राज्य ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और कोरोना वायरस का नया नाम भी आ गया है, तो ये है कोविड-19। क्या है? कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस डिसीज, और ये शुरू हुआ था 2019 में। तो चीन के वुहान शहर से ये शुरू हुआ था और यह एक RNA प्रकार का वायरस है। सबसे पहले भारत में जो व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ था वह था केरल राज्य का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिलीपींस देश में चीन के बाहर पहली डेथ हुई थी कोरोना वायरस से। प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये होता है 4 फरवरी को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इस बार की थीम क्या है? IMNI बिल। और 1 जनवरी को था विश्व तटरक्षक दल अपना स्थापना दिवस, और 2 फरवरी का था विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और अगर अभी तक आपने करंट अफेयर का जो ऐप है उसे इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आप ना केवल मंथली डेली वाइज करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, बल्कि डेली यहाँ पर आप करंट अफेयर के क्विज भी दे सकते हैं। तो वीकली करंट अफेयर की क्विज भी मिलेगी, तो इस वीडियो की क्विज भी आपको कल शाम तक मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर के आप क्विज दे करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। 1 फरवरी को किस शहर में काला घोड़ा कला महोत्सव के 21वें संस्करण की शुरुआत हुई? तो ध्यान रखिएगा, काला घोड़ा कला महोत्सव ये होता है मुंबई में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फरवरी 2020 में एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? तो ये चुना गया है शक्तिकांत दास को, जो कि RBI के 25वें गवर्नर हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बैंकर मैगजीन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। तो शक्तिकांत दास को एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। वहीं पर नेशनल बैंक ऑफ सर्बिया यानी कि जो सर्बिया का सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर जोर्गो वेंका तपकोवी को, क्या नाम है, जोर्गो वेंका तपकोवी को ग्लोबल सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ये है शक्तिकांत दास। शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और 2024 का जो ओलंपिक होगा यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वह आयोजित किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। दक्षिण कोरिया की बात हुई है तो राजधानी है सियोल, राष्ट्रपति है मून जे इन, और मुद्रा यहाँ की है वॉन। तो ये है दक्षिण कोरिया देश। फरवरी 2020 में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है दीपा मलिक की, जिन्हें 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। ये हरियाणा की 60 फुट खिलाड़ी हैं। तो ये हैं दीपा मलिक। फरवरी 2020 में किस देश में 80 मिलियन क्यूबिक फीट के नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है? तो ये खोजा गया है संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो स्थान है वह स्थित है आबू धाबी और दुबई के बीच में। तो चलिए, आपके लिए प्रश्न है कि वह स्थान का नाम क्या है जहां पर ये 80 मिलियन क्यूबिक फीट गैस खोजा गया है। UAE की बात करें तो राजधानी आबू धाबी है, मुद्रा यहाँ की है दिरहम, और 2 महीने पहले ही ईरान में एक स्थान है जिसका नाम है खुजिस्तान। तो खुजिस्तान में तेल के नए भंडार खोजे गए थे। भारत के सबसे बड़े ग्रामीण तकनीकी महोत्सव जिसका नाम है अंतः प्रज्ञा, इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आयोजन किया गया बसर में, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी जो कि है बसर में, यहाँ पर आयोजन किया गया। और थीम इसकी रही स्पॉट एंड एनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। किस राज्य की सरकार द्वारा जन सेवक योजना को लॉन्च किया गया? तो जन सेवक जो योजना है इसे लॉन्च किया गया कर्नाटक की सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसके अंतर्गत जो भी बेसिक सेवाएं होती हैं जैसे कि राशन कार्ड बनवाना हुआ, वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र हुआ, स्वास्थ्य कार्ड हुआ, तो इन सभी की अब होम डिलीवरी की जाएगी नगर निगम वार्डों में। इंटरनेशनल
इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स के 21वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा इंदौर में, जो कि है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 27 से 29 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन इसके लिए जो एक मेगा बॉलीवुड समारोह होगा उसका आयोजन राजधानी भोपाल में किया जाएगा। किस देश ने सतत विकास के लिए भारतीय पर्यटकों से फीस वसूलने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो अब इस देश में अगर कोई भारतीय नागरिक जाएगा तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, तो ये पास किया है भूटान की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर कोई व्यक्ति जुलाई 2020 से भूटान में जाता है तो उसे प्रत्येक दिन 1200 रुपये देने होंगे। भूटान की बात करें तो राजधानी है थिम्पू, पीएम है लोते सेरिंग और गल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। तो ये आप देख सकते हैं भूटान की लोकेशन। नाडा ने रामसद एआर को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के लिए कितने वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया है? तो इन्हें प्रतिबंधित किया गया है 2 वर्षों के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इससे पहले नाडा के द्वारा रविंदर कुमार को 4 वर्षों के लिए, सरबजीत कौर जो कि वेटलिफ्टर है, सीमा जो कि वेटलिफ्टर है, इन्हें 4 वर्षों के लिए, निर्मला सरोन को 4 वर्षों के लिए और सुमित सांगवान को 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। और आपको बताना है रामसद एआर ये कौन सा खेल खेलते हैं, ये आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये है रामसद एआर। प्रणव गोगोई का हाल ही में निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे? तो प्रणव गोगोई अध्यक्ष थे असम राज्य के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डेनियल अरप मोई का हाल ही में निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये पूर्व राष्ट्रपति थे केन्या देश के, 24 सालों तक ये राष्ट्रपति रहे थे और सर्वाधिक इनका कार्यकाल रहा था एक राष्ट्रपति के तौर पर केन्या देश में। केन्या की राजधानी कहाँ पर है? नैरोबी में। फरवरी 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें रहा है 40वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र के द्वारा जारी किया गया और इसमें भारत है 40वें स्थान पे, अमेरिका पहले, UK दूसरे और स्वीडन रहा है 3रे स्थान पर। फरवरी 2020 में किसने बाल निवेश निधि फाउंडेशन यानी कि चिल्ड्रेंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन को लॉन्च किया है भारत के लिए? तो ये लॉन्च किया है प्रिंस चार्ल्स ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो दक्षिण एशिया है वहाँ पर बच्चों के अवैध व्यापार को रोका जाएगा और इन्होंने जो गायिका है कैटी पेरी उनको अपना राजदूत भी नामित किया है। तो ये है प्रिंस चार्ल्स, ये है कैटी पेरी। केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये भारत का 10वां कंटेनर पोर्ट होगा जिसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के साथ में मिलकर के लैंड लॉर्ड मॉडल पर किया जाएगा। विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत कच्चे स्टील के निर्माण में किस स्थान पर है? तो भारत यहाँ पर कच्चे स्टील के निर्माण में है 2रे स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चीन यहाँ पर है पहले स्थान पे। तो 2018 और 19 के लिए भारत ने पीछे छोड़ा है जापान पर। तो जापान अब 3रे पहुँच चुका है, USA है 4थे स्थान पर। विश्व स्टील संघ की बात करें तो 10 जुलाई 1967 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका ब्रसल्स जो कि है बेल्जियम में और यहीं पर आपको नाटो और यूरोपीय यूनियन का भी मुख्यालय बनेगा। स्टील की बात हुई है तो एक कंपनी है JSW स्टील, इसने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनका नाम आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं बता देता हूँ, ऋषभ पंत उनका नाम है। 6 फरवरी को व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ रोग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर MS धर्मसक्तु को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर MS धर्मसक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ रोग अवार्ड मिला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। वहीं पर संस्थाओं की श्रेणी में लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट को ये अवार्ड दिया गया। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 22वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया गया कोच्चि में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कोच्चि कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा केरल में और इसकी थीम रही ब्लू रेवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। राष्ट्रीय बागवानी महोत्सव 2020 यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा और थीम इसकी रही हॉर्टिकल्चर फॉर रूरल प्रॉस्पैरिटी यानी कि ग्रामीण सभ्यता के लिए बागवानी, ग्रामीण समृद्धता के लिए बागवानी।
जेफ वेनर ने किस कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया? तो इन्होंने इस्तीफा दिया है लिंक्डइन के सीईओ के पद से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 2006 में लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, पैरेंट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो यह है लिंक्डइन के सीईओ जेफ वेनर, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। भारत द्वारा पहली नौवहन सैटेलाइट जिसका नाम है IRNSS-1A किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 2013 में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। IRNSS का पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो 1 जुलाई को पहला लॉन्च किया गया था। कुल अभी तक 9 लॉन्च किए जा चुके हैं। अब इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इन्हीं सैटेलाइटों के माध्यम से भारत का अपना GPS सिस्टम है जिसका नाम है नेविक, यानी कि नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो अभी तक जो हम GPS अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं वह है अमेरिका का, लेकिन अब जो स्मार्टफोन आपको मिलेंगे उसमें भारत का नौवहन सिस्टम आपको इंस्टॉल मिलेगा। हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम मिसाइल खगांतक की प्रदर्शनी आयोजित की गई, तो इसकी रेंज कितनी है? तो खगांतक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी रेंज है 180 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो लखनऊ में इस वर्ष जो डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया उसमें इसकी प्रदर्शनी लगाई गई और JSR डायनामिक्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसके साथ मिलकर 7 स्थानों पर उच्च प्रशिक्षण केंद्र लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है मिलकर के हॉकी इंडिया के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये उच्च प्रशिक्षण केंद्र क्या है? तो इसके अंतर्गत जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको 2024 और 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा उसके लिए तैयारी कराई जाएगी। तो नई दिल्ली, सुंदरगढ़, भोपाल, बेंगलुरु में 3 महीनों में संचालन शुरू हो जाएगा। बाकी जो अन्य हैं 3, उनका संचालन अगले 1 वर्षों में शुरू होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस देश की रोसनेफ्ट कंपनी के साथ 2 बिलियन कच्चे तेल की खरीद के लिए समझौता किया है? तो रोसनेफ्ट कंपनी कहाँ की है? ये है रूस की। तो समझौता भी हुआ है रूस से। तो इस प्रकार से ये भारत और रूस के बीच में पहला वार्षिक तेल खरीद साझेदारी है। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और नए प्रधानमंत्री यहाँ के बने हैं मिखाइल मिशुस्तिन। कौन? मिखाइल मिशुस्तिन। और सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक शहर है जहाँ पर इस वर्ष 2 महत्वपूर्ण आयोजन होंगे। एक तो होगा ब्रिक्स का समिट और दूसरा होगा SCO का समिट। तो ये दोनों समिट 2020 वाले होंगे सेंट पीटर्सबर्ग में। तो ये आप देख सकते हैं रूस और यहाँ पर आपको मिलेगा सेंट पीटर्सबर्ग। किस देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस लॉन्च किया गया? तो ये मुख्य रूप से जो धार्मिक आधार के कम्युनिटी हैं उनकी संरक्षण करेगी पूरे विश्व में। तो इसे शुरू किया है अमेरिका ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा और कुल इसमें 27 देश शामिल हैं। नासा की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच कितने समय अंतरिक्ष में बिताकर वापस पृथ्वी पर लौटी हैं? तो इन्होंने कुल बिताए 328 दिन अंतरिक्ष में। कहाँ पर बिताया था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और वहीं पर ये जेसिका मीर के साथ में इंटर स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला जोड़ी भी बनी थी। किसके साथ में? जेसिका मीर के। और जो स्पेस वॉक होता है इसे हम कहते हैं EVA यानी कि एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि EVA क्या है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्रिस्टीना कोच की। तो महिला के रूप में सर्वाधिक समय इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया। इससे पहले पेगी हुइटसन के नाम पर 288 दिनों का रिकॉर्ड था। और यहाँ पर जब बात हो रही है सबसे अधिक समय तक बिताने की तो यह अधिक समय एक बार का ही काउंट हो रहा, यानी कि एक बार ये गई और 328 दिनों के बाद में लौटी हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल पुरुषों की श्रेणी में ये रिकॉर्ड है रूस के वालेरी पोलाकोव के नाम पे। इन्होंने 437 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे एक बार में। तो ये है क्रिस्टीना कोच। हाल ही में किसे मिस्टिक कलिंगा लिटरेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है यहाँ पर मनोज दास को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित मिस्टिक कलिंगा फेस्टिवल के दौरान ये पुरस्कार इन्हें मिला है। इससे पहले ये पद्म भूषण और सरस्वती सम्मान भी जीत चुके हैं। उड़िया और अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं मनोज दास जी। तो ये है मनोज दास जी। फरवरी 2020 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया? तो नए महानिदेशक बन गए हैं इसके, इनका नाम है मोदेत्री श्रीधर। क्या नाम है? मोदेत्री श्रीधर इनका नाम है। तो ये नए महानिदेशक बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है सुरेश नारायण मेश्राम का।
स्थापना हुई थी 1851 में। मुख्यालय है कोलकाता में, किसका? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का, और ये खान मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दिसंबर 2020 में भारतीय नौसेना को किस नाम से तीसरी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी को सौंपा जाएगा? तो ये तीसरी जो स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है, इसका नाम है INS करंज। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कुल मिलाकर के 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है मजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा, जो कि है मुंबई में। तो 2 सौंपी जा चुकी हैं, तीसरी होगी INS करंज, उसके बाद में चौथी होगी INS बेला, पांचवी होगी INS वागीर और छठी होगी INS वाक्सीर, और इसका निर्माण किया गया है प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत। तो ये है INS करंज, जो कि एक पनडुब्बी है। जानवरों की प्रवासी पक्षियों पर CMS के COP13 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? बात हो रही है यहाँ पर कन्वेंशन जो कि आयोजित किया गया प्रवासी पक्षियों के ऊपर, तो ये आयोजित किया गया गुजरात में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आयोजित किया जाना है, अभी 17 से शुरू होगा। अब यहाँ से आपको कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि CMS का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। ये 6 नवंबर 1979 को हस्ताक्षरित किया गया था जर्मनी के शहर बॉन में। शुभंकर क्या है ये आपको जरूर याद रखना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जिसे हम गिवी, सोहन चिड़िया या फिर गोडावन के नाम से भी जानते हैं। और थीम भी इसकी महत्वपूर्ण है, थीम है माइग्रेटरी स्पेसीज कलेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। किस मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स व नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2019 लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या स्थिति है या क्या रहने लायक व्यवस्थाएं हैं किस शहर में, उसके आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। तो 100 स्मार्ट शहर और 14 अन्य मिलियन जनसंख्या वाले शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया। 5 पैरामीटर हैं जिनके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई, और इसमें रहा है पुणे पहले स्थान पर, और शहरी और आवास मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, जो कि नागरिक और उड्डयन मंत्री भी हैं। किस शहर की पुलिस द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान के लिए ऑपरेशन नकेल शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है गाजियाबाद की पुलिस के द्वारा। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। DRDO द्वारा सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल प्राणस नाम से विकसित की जा रही मिसाइल की रेंज कितनी है? तो यह एक टेलर बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज होगी 200 किलोमीटर। तो हमारे पास वर्तमान में प्रहार है, प्रहार की रेंज आपको मिलेगी 150 के आसपास, तो ये आप कह सकते हैं अपग्रेडेड वर्जन होगा प्रहार का। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम होगी और 2021 के अंत तक इस मिसाइल का परीक्षण भी शुरू हो जाएगा। किस देश द्वारा दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया गया? तो ये जो बुलेट प्रूफ हेलमेट है, इसका विकास किया गया है भारत के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रोजेक्ट अभेद के अंतर्गत मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इस बुलेट प्रूफ हेलमेट की खास बात यह है कि 10 मीटर की दूरी से अगर AK-47 से भी वार किया जाता है तो उसके वार को भी ये सहन कर सकता है। इससे पहले अनूप मिश्रा के द्वारा स्नाइपर राइफल की गोलियों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया गया था जिसका नाम था सर्वत्र कवच। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये है मेजर अनूप मिश्रा। फरवरी 2020 में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू 2019 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहे हैं विराट कोहली। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लगातार तीसरे वर्ष विराट कोहली इस सूची में रहे शीर्ष स्थान पे। डफ एंड फिलिप्स द्वारा इसे जारी किया गया। इस सूची में अक्षय कुमार दूसरे, दीपिका पादुकोण तीसरे और रणवीर सिंह रहे चौथे स्थान पर। तो ये है विराट कोहली, जिन्हें अभी MPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। फिल लोपी कोजियानो गोल्डबर्ग ने किस संस्थान के मुख्य अर्थशास्त्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इन्होंने इस्तीफा दिया है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के पद से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जो कि है USA की राजधानी। अध्यक्ष हैं डेविड मेलपेस और MD और CEO हैं इसके अंफुला कांत। तो ये आप देख सकते हैं जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है पिनलोपी को। फरवरी 2020 में किस शहर का मेट्रो रेल नेटवर्क भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बना है? तो ये जो मेट्रो रेल नेटवर्क है ये है हैदराबाद का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है दिल्ली का। तो दिल्ली के बाद में ये पहुँच चुका है दूसरे स्थान पे। और CM चंद्रशेखर राव के द्वारा जो 11 किलोमीटर लंबी ट्रैक थी नई वाली, उसका उद्घाटन किया गया चंद्रशेखर राव के द्वारा।
आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब यहाँ पर जीता है बांग्लादेश की टीम ने। फाइनल में इन्होंने हराया भारत को। आयोजन इसका कहाँ पर किया गया? तो आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा रन इस टूर्नामेंट में बनाए भारत के यशस्वी जायसवाल ने, और इसी के साथ साथ ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। सबसे ज़्यादा विकेट लिए भारत के रवि बिश्नोई ने। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की बात करते हैं तो इसे सबसे ज़्यादा बार जीता है भारत ने। कितने बार? 4 बार इस खिताब को भारत ने जीता है। तो ये देख सकते हैं आप बांग्लादेश की विनिंग टीम को। गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम, यानी कि गांधी जी का जो हिंदुत्व था उसका किस प्रकार से संघर्ष रहा जिन्ना के इस्लाम से, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है एम जे अकबर ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और एम जे अकबर की बात करें तो पहले ये कांग्रेस के नेता थे, बाद में आगे बीजेपी में, तो वर्तमान में बीजेपी से मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। तो ये बुक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश से गायब हुई महिलाओं की संख्या में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो यहाँ पर पहला स्थान है महाराष्ट्र का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इस प्रश्न से आपसे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से। एक तो ये पूछा जा सकता है कि देश से गायब हुई महिलाओं की संख्या में किस राज्य का प्रथम स्थान है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर बच्चे गायब हुए हैं उनमें पहला स्थान किस राज्य का है। तो उसमें पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। तो दोनों में आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश बच्चों की गुमशुदगी में पहले स्थान पर है और महिलाओं की गुमशुदगी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर। 2016, 2017 और 2018 के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो यहाँ पर हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने हैं नसीम शाह, जो कि हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज। बांग्लादेश के आलोक कपाली का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और 16 वर्ष 365 दिन में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था रावलपिंडी में, जहाँ पर इन्होंने ये कारनामा दर्ज किया। वहीं पर मोहम्मद हसनैन अभी हाल ही में T20 में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने हैं। तो यह है नसीम शाह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे 2019 कोच आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है पुलेला गोपी चंद को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पुलेला गोपी चंद की बात करें तो ये भारतीय बैडमिंटन टीम के वर्तमान में कोच हैं और आंध्र प्रदेश राज्य के ये पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी भी रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं साइना नेहवाल की, पीवी सिंधु की, तो इन सभी लोगों को भी ट्रेनिंग पुलेला गोपी चंद जी ने ही दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है लुजेन में, अध्यक्ष इसके हैं थॉमस वॉच। तो ये है पुलेला गोपी चंद। किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? तो ये योजना है पीएम किसान योजना की तर्ज पर ही और इसकी शुरुआत की है हरियाणा राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और जिस व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी या फिर उसकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए से कम होगी, उसे सरकार के द्वारा वर्ष में 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक 4 माह पर 2,000 रुपए दिए जाएंगे पीएम किसान योजना के तहत। और पीएम किसान योजना का जो तीसरा किस्त था उसे पीएम ने कहाँ से किया था? तुमकुरु से, जो कि है कर्नाटक में। 35वें महिला सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में सर्वश्रेष्ठ महिला भारोत्तोलक का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मणिपुर की मीराबाई चानू ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ से आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो महिला सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप रही इसका खिताब जीता रेलवे ने और महाराष्ट्र इसमें रही थी उपविजेता। तो ये है मीराबाई चानू। 72वें पुरुष सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष भारोत्तोलन का खिताब किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष भारोत्तोलक का खिताब यहाँ पर जीता है जेरेमी लाल रिनुंगा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जेरेमी लाल रिनुंगा की बात करें तो ये 67 किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं, मिजोरम राज्य के खिलाड़ी हैं। और पुरुष सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 का जो खिताब है वह जीता है रेलवे की टीम ने और सर्विसेज इसमें रही थी उपविजेता। तो ये आप देख सकते हैं जेरेमी लाल रुनुंगा को। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में विश्व दलहन दिवस, बात हो रही है वर्ल्ड पल्सेट डे की, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये होता है प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 2019 में पहली बार यह आयोजित किया गया था और ध्यान रखिएगा कि ये इसका था दूसरा संस्करण और खाद्य व कृषि संगठन ने वर्ष 2016 को दालों का वर्ष घोषित किया था। 92वें अकादमी अवार्ड्स में
किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये फिल्म है पैरासाइट, जो कि दक्षिण कोरिया की फिल्म है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पैरासाइट ऑस्कर के इतिहास में पहली ऐसी गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म है जिसे मेन कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। तो निर्देशक इसके हैं बोंग जू हो, और 92वीं ऑस्कर अवार्ड या फिर हम कहें अकाडमी अवार्ड, इसका आयोजन किया गया डॉल्बी थिएटर जो कि है लॉस एंजल्स यूएसए में। तो यह है पैरासाइट मूवी, डायरेक्टर का नाम भी याद रखना है बोंग जून हो। ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जो 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन है आयोजित किया गया मुंबई में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देश के सभी राज्यों और यूटीज के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उनका मूल्यांकन किया गया। थीम आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो थीम इसकी रही इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने किसके साथ मिलकर सूर्य के ध्रुवों की मैपिंग के लिए सोलर ऑर्बिटर प्रोब लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में मिलकर के। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रॉकेट जिसका यूज किया गया वह है एटलस 5, और यूएसए के प्रांत फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया गया। नासा जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, और जिम ब्रिडेनस्टीन इसके प्रमुख हैं। तो ये है सूर्य, और ये इस प्रकार से जो प्रोब है उसको स्थापित किया जाएगा 20 मिलियन माइल्स की दूरी पर। किस राज्य की सरकार ने देश के पहले ग्लास फ्लोर ब्रिज के निर्माण को घोषणा की है? यानी कि इस ब्रिज के ऊपर से अगर आप चलेंगे तो नीचे के सतह को भी देख सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा, और ये बनाया जाएगा उत्तराखंड में लक्ष्मण झूला के स्थान पे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये आप देख सकते हैं लक्ष्मण झूला है, तो यही इसी को रिप्लेस करेगा यह जो ग्लास फ्लोर ब्रिज होगा। भारतीय सेना ने किस नाम से दुनिया का सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर का विकास किया है? तो इस गन शॉट लोकेटर का नाम है पार्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसकी खास बात यह है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर हैं तो इससे 400 मीटर की दूरी पर अगर कोई भी टेररिस्ट या कोई भी ऐसा बैठा है जो कि गन लेकर के, तो उसको ये लोकेट कर सकता है। तो डिफेंस एक्सपो 2020 में मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा इसकी प्रदर्शनी की गई, और भारतीय थल सेना का जो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है इसने एक निजी फर्म के सहयोग से बनाया है, और ये कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ पर है? ये है पुणे में। तो ये है वह पार्थ गन शॉट लोकेटर। फरवरी 2020 में अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है इथियोपिया में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में आयोजन किया गया, और थीम इसकी रही साइलेंसिंग द गन्स। अफ्रीकी यूनियन की बात करें तो जैसे यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों का समूह है, उसी प्रकार से अफ्रीकी यूनियन अफ्रीकी देशों का समूह है जिसकी स्थापना 26 मई 2001 को हुई थी। मुख्यालय आदिस अबाबा में, सदस्य देशों की संख्या है 55। और अफ्रीका के देशों की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा अफ्रीका के 50 देशों के प्रतिनिधि आए थे डिफेंस एक्सपो में। उस दौरान इन अफ्रीका के 50 देशों ने भारत के साथ मिलकर के लखनऊ डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। तो लखनऊ डिक्लेरेशन का नाम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इथियोपिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार द्वारा एक नदी डेल्टा क्षेत्र को सुरक्षित कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोटेक्शन जोन घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सीएम इडापड्ली के पलानीस्वामी की द्वारा इसकी घोषणा की गई है, और अगर किसी भी क्षेत्र को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वहाँ पर कृषि के अलावा अन्य कोई भी कार्य बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं चेंज देखने को मिला कि विश्व विजेता पंकज आडवाणी को आदित्य मेहता ने हरा दिया। तो जीता किसने है? आदित्य मेहता ने, जो कि महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया मुंबई में। आदित्य मेहता महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, और फाइनल मुकाबले में इन्होंने पंकज आडवाणी को 6-2 से हरा दिया। वहीं पर मध्य प्रदेश की अमी कामनी कर्नाटक की विद्या पिल्लई को 3-2 से हरा करके महिला वर्ग में विजेता रही हैं। तो ये है आदित्य मेहता। किस राज्य की काम्या कार्तिकेयन माउंट एकांका गुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनी है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा काम्या कार्तिकेयन चढ़ाई किस पे की है?
माउंट एकांकागुआ पे, जो कि दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मालवत पूर्णा के बारे में, जो कि सबसे छोटी आदिवासी महिला है जिन्होंने सातों जो सर्वोच्च चोटियां हैं महाद्वीपों की उस पर चढ़ाई की, और लास्ट में उन्होंने चढ़ाई की थी माउंट मैसन बिन्सफ पे, जो कि है अंटार्कटिका का सबसे ऊंची चोटी। तो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डीवार्मिंग दिवस यानी कि नेशनल डीवार्मिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आखिरी प्रश्न है, हाँ, तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।